आज हम बात कर रहे हैं एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 के डीएससी 1C से डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, विदेश नीति के, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। किसी भी देश की विदेश नीति उस राष्ट्र की आंतरिक परिस्थितियों तथा जन भावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र ही होती है। राष्ट्रीय परिस्थितियों को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्थित करना ही विदेश नीति का दूसरा नाम है। विदेश नीति उस देश की भावनाओं, उद्देश्यों तथा उनकी ऐतिहासिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है। भारत में सदैव ही शांति, सहयोग, मैत्री तथा सद्भावना का मार्ग अपनाया। उसने अपने स्वार्थ साधन के लिए कभी किसी देश या अन्य राष्ट्र की स्वतंत्रता का अपहरण करने का प्रयत्न नहीं किया। अतः स्वतंत्र भारत ने वर्तमान में भी उसी मार्ग को अपनाया है जो विश्व शांति में सहायक है। विदेश नीति के बारे में बहुत पहले से ही, स्वतंत्रता के पहले से ही कांग्रेस के अधिवेशनों में ऐसे प्रस्ताव पारित किए जा रहे थे जो कि शांति और सद्भावना की बात करते थे। उन्हीं भावनाओं को स्वतंत्रता के बाद भी भारत ने अपने विदेश नीति में अपनाया। पंडित नेहरू ने विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के संबंध में कहा था, किसी भी देश की विदेश नीति अंततत्व अपनी परंपराओं, अपनी आकांक्षाओं, अपने उद्देश्यों और मुख्य रूप में निकट अतीत पर आधारित होती है। स्वतंत्र भारत ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में जो विदेश नीति अपनाई, उसका मुख्य ध्येय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के माध्यम से विश्व शांति की स्थापना है। नीति निर्धारक तत्वों की व्याख्या करते हुए डॉ. वीपी दत्त ने कहा, ऐतिहासिक परंपराओं और भौगोलिक स्थिति तथा भूतकालीन अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभावक तत्व रहे हैं। अब हम बात करते हैं विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में कि भारतीय विदेश नीति के वो कौन से तत्व हैं जिन्होंने भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने का या उसको प्रभावित करने का कार्य किया है। सबसे पहली जो बात है वो है भूगोल, जो भौगोलिक तत्व है। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में भौगोलिक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। KM पनिक्कर के शब्दों में, जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व से हुआ करता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी एक बार कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। डॉक्टर जेम्स एमर्स के शब्द उल्लेखनीय हैं, समझौते तोड़े जा सकते हैं, संधियां भी एक तरफा समाप्त की जा सकती हैं, परंतु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के आकार, एशिया में उसकी विशेष स्थिति तथा दूर दूर तक फैली हुई भारत की सामुद्रिक और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा है। हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित यह है कि वह स्वतंत्र एवं शांति का क्षेत्र बना रहे। भारतीय परिवहन, व्यापार व विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा इन्हीं पर निर्भर है। दूसरा निर्धारक तत्व है गुटनिरपेक्षता। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं जब हम बात कर रहे थे सिद्धांतों की या फिर उद्देश्य की, भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य की, तो हमने गुट निरपेक्षता की बात की थी। विश्व दो गुटों, पूंजीवाद और साम्यवाद में बटा हुआ था। इन दोनों में अधिक मनमुटाव के कारण शीत युद्ध चल रहा था। भारत ने इन दोनों गुटों से अलग रहकर अपने आप को गुट निरपेक्ष देश रखा। गुट निरपेक्षता की स्थिति भारत को दोनों गुटों के मध्य मध्यस्थ का कार्य कर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता देती है। अगर उस समय भारत किसी भी एक गुट के साथ शामिल हो जाता तो उसका पलड़ा भारी हो जाता और शायद इससे तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति बन जाती। तो भारत ने निर्गुट रह करके, गुट निरपेक्षता को अपना करके विश्व में शांति स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तीसरा है विचारधाराओं का प्रभाव। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अनेक विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव है। महात्मा गांधी की शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा से भारत की विदेश नीति प्रभावित है। भारतीय संविधान की धारा 51 में राजनीति के निर्देशक तत्वों में विदेश नीति के निर्धारण में इसका प्रभाव स्पष्ट है। हडसन के शब्दों में, गांधी के शांतिवाद ने देश को यह भरोसा दिलाया कि विश्व में शांति समझौते से ही स्थापित हो सकती है, न कि रक्षात्मक संगठन बनाने से। भारत का यह कर्तव्य है कि वह विरोधी पक्षों से अलग रहे और उनमें मध्यस्थ का कार्य करे। महात्मा गांधी के अतिरिक्त भारत को विदेश नीति गौतम बुद्ध और अशोक की अहिंसा, अकबर और शिवाजी की सहिष्णुता, अरविंद टैगोर और M.N. रॉय के मानवतावादी विचारों से भी प्रभावित है।
आर्थिक तत्व। भारत का आर्थिक विकास तभी संभव है जब वह सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। इसलिए भारत किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ। निर्गुट रहने के कारण ही भारत को दोनों गुटों से पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलती रही। जे बंदोपाध्याय ने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भारत की विदेश नीति के आर्थिक आयाम बताए हैं। उनमें तीन प्रमुख हैं, सुरक्षा, विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उस समय जैसा कि आपको बैकग्राउंड पता है कि भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, 1947 में, और भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। और उस समय भारत को दोनों गुट से, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट, दोनों से आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए भारत ने निर्गुट रहने का या गुट निरपेक्ष रहने का निर्णय लिया, ताकि वह दोनों पक्षों से सहायता लेकर के अपने विकास के कार्य को आगे बढ़ा सके। पांचवा है सैनिक तत्व। भारत सैनिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं था, वह अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों पर निर्भर था, क्योंकि हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद में थे। इसलिए भारत महाशक्तियों से मैत्री संबंध बनाए रखा। अब भी भारत अपने सैनिक साजो सामान के लिए विदेशों पर बहुत निर्भर करता है। आज भी हम अपने सैनिक सामान के लिए सक्षम नहीं हैं, आत्मनिर्भर नहीं हैं। आज भी हमें बाहर से लड़ाकू विमान मंगाने पड़ते हैं और भी बहुत सारी रक्षा संबंधी सामानों का आयात करना पड़ता है। छठा, पंडित नेहरू का चमत्कारी व्यक्तित्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ही थे। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फांसीवाद के विरोधी थे। वे महाशक्तियों के संघर्ष में भारत को अलग रखने के पक्ष में थे। वे विचार आज भी भारत की विदेश नीति के आधार हैं। पंडित नेहरू को काफ़ी ज्ञान था विदेश नीति के बारे में, और उन्होंने उस समय विदेश मंत्री रहते हुए भी, प्रधानमंत्री के साथ साथ वो विदेश मंत्री भी रहे, और उन्होंने विदेश नीति का में जो उनका ज्ञान था उसका सहारा लिया, और उनके दिखाए हुए मार्ग पर भी आज भी हमारा विदेश नीति आगे बढ़ रहा है। अगला है राष्ट्रीय हित। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि किसी भी देश को की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा में होती है, और भारत की विदेश नीति का ध्येय यही है। भारत के राष्ट्रीय हित दो प्रकार के हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी राष्ट्रीय हित हैं देश की अखंडता और सुरक्षा, तथा अस्थायी हित हैं खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, तकनीक के विकास, जनता के जीवन स्तर को उठाना एवं आर्थिक समृद्धि आदि। ऐतिहासिक परंपराएं नेक्स्ट पॉइंट है। भारत की अपनी प्राचीन संस्कृति और इतिहास है। भारत की नीति सदैव शांति प्रिय रही है। भारत में किसी दूसरे देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। यह ऐतिहासिक परंपरा भारत की वर्तमान विदेश नीति में भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं जैसे शांति, समन्वय और सहिष्णुता है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास की देन है। नेक्स्ट है उपनिवेश विरोधी भावना। शताब्दियों तक विदेशी शक्ति के अधीन रहने के कारण भारत को यह कटु अनुभव है कि विदेशी शासन के देश के विकास के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए भारत ने स्वतंत्र होने के पश्चात प्रत्येक पराधीन देश में स्वाधीनता आंदोलन को अपनी सहानुभूति प्रदान की। भारत ने ट्यूनिस, साइप्रस, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, नामीबिया आदि राष्ट्रों को स्वतंत्रता का संयुक्त राष्ट्र संघ में सदैव समर्थन किया। भारत ने नामीबिया में दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रंगभेद नीति की कटु आलोचना की। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी विदेश नीति के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से आप अपने सहायता के लिए देशों का चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए अभी COVID-19 की स्थिति में चीन भारत का एक बहुत अच्छा आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से, चीन से काफ़ी अच्छा दोस्ताना व्यवहार चल रहा था, लेकिन इस बीमारी के कारण आज भारत का चीन के प्रति भी कड़ा रुख है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो होती हैं उनका भी विदेश नीति के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब इसको निर्धारक तत्वों को समराइज करते हुए उसका सारांश एक तरह से कह सकते हैं आप, पंडित नेहरू ने
17 अक्टूबर 1949 को कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका में है यह विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था, विश्व शांति का अनुसरण करना, किसी बड़ी शक्ति अथवा गुट के साथ संलग्न नहीं होना, वरन विवादपूर्ण मामलों में स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाना, अधीन जातियों को स्वतंत्र कराना, व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखना, प्रजातीय भेदभाव को दूर करना तथा भूख, बीमारी एवं निरक्षरता को दूर करना भारत की विदेश नीति के मुख्य आधार हैं। इसी के साथ ये एक छोटा लेक्चर था भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में। आप इसको आधार बनाइए और इसके ऊपर अपना नोट्स बना करके पढ़िए। धन्यवाद।